आइए सारे दोस्तों को मनोज त्रिवेदी का प्रणाम है। हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं। अब वीडियो आज जो बनाने वाले हैं वो अपार खुशी है पूरे देशवासियों को, जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सारे देश के लोग खुश हैं, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है। आज मेरे दिल में आया कि प्रभु के लिए दो चार लाइन बहुत अभी चला हुआ वो भजन मुख हर आदमी के मुख में है, यानी मुख आदमी नहीं, हर आदमी के मुख में है। जिधर देखिए वो भजन लोग गुनगुना रहे हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरे दिल में आया कि जब राम आ रहे हैं प्रभु, और जितने भी लोग ढोलक सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि दो गो ताल है इसमें, है कहरवा ही, एक धमाल रूपी, राजस्थान में एक धमाल बसता है, धमाल रूपी ताल है, और एक कहरवा जो आपको देते आए हैं, धेटे ताता तेटे धाना जो है कहरवा का है। ये दोनों कैसे हम चेंज करके बजाएंगे इस भजन में, आप लोग जरूर सीखें और प्रभु श्री राम जी के भजन में जरूर बजाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग गौर से समझेंगे। पहले थोड़ा सा बजा के आपको बताते हैं, हल्का गुनगुना के बताते हैं कि कैसे आपको बजाना है और कैसे हमको चेंज करना है। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये ताल पे और भी भजन है, लेकिन अभी फिलहाल प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही नारा चल रहा है, उन्हीं का नाम लेना है, इसलिए कि 22 जनवरी को प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा है। हम लोग इसी ताल का अनुग्रह करेंगे, सीखेंगे और बाबा के भजन में बजाएंगे। आइए इसको बारीकी से बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें ठेका बजाया, ठेका बजाना है। मेरे झोपड़ी के भाग, यहां पिकअप लगेगा ता ते ते ता ते ते ता, आप लोगों को बताए थे ता ता ते ते ता ते ते ता, ये पिकअप लगाना है। कहां लगाना है? मेरी झोपड़ी के भाग, के भाग जैसे आएगा वहां ये पिकअप लगेगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज ताते ताते ता, ताते ते कैसे निकलेगा? ये और ये, इसको चाप के मारना है फर्स्ट फिंगर, ता ताते ते ताते ते ता, ताते ते ताते ते ता, हो गया, ये पिकअप लगाना है। ताते ते ताते ते ता, धेते ता ताते ते धाना, धे में घिस्सा, ये जो लोग जानते हैं धेटे ताता वो बजाएंगे, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, धे फर्स्ट फिंगर यहां मारना है, यहां इसको घिस्सा मारना है, धेटे टे, ठीक है, धेटे ताता टेटे धाना, ये वाला ठेका लगेगा। कैसे लगेगा? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, धेटे ताता टेटे धाना, ये आज आ गया। आज जो नया सीखने वाले हैं वो है दिन दिनक दिन ता दिन दिनक दिन ता दिन दिनक दिन ता दिन दिनक दिन धाधिन धिनक दिन ता दिन तिनक दिन। अब धाधिन धिनक दिन कैसे निकालना है? ये निकाल लिए
तो आप ये भजन में बहुत अच्छे से बजाएंगे। धा, फर्स्ट फिंगर ये धा, धा ओपन, धा ओपन का मतलब हुआ खुला धा, ऐसे करके घिसा नहीं लेना है। धा पहला फिंगर से मारना है, या धा धा धीम धा धीम धा धीम धा धीम धीनक धा धीम धीनक धीन हो गया। एक फेज आपका तैयार। फिर बारीकी से भैया जरूर देखिए, हमको संतोष नहीं होता है, हमको लगता है कि एक दो बार और बजा के आपको बताएं, इसलिए कि आप समझे कि नहीं समझे मेरा वीडियो बनाया हुआ बेकार हो जाएगा, इसलिए हम एक बार दो बार गौर करके समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए धा धा पहला धा में भी इस पे लगेगा, धा धी में भी लगेगा, धा धी पहले तो ये समझिए, धा धीन धीनक कम है ये मार देना है, धा धीन धीनक धा धीन धीनक धीन 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 फिर धी या न, धा धीन धीनक धीन ता तीन ता में थपकी ता तीन तीनक ता तीन तीनक तीन धा धीन धीनक धीन ता तीन तीनक तीन ता तीन तीनक तीन ता तीन तीनक तीन ता तीन तीनक तीन धा धीन धीनक धीन ता तीन तीनक तीन धा धीन धीनक धीन ता तीन तीनक तीन। बस यही ताल है, धेटे ताता तेटे धाना अत्ता तेटे ता तेटे ता अधा धीन धीनक धीन ता तीन तीनक तीन। ये यदि सीख लिए तो ये भजन में आप खूब आराम से बजाएंगे। कैसे बजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे रामा। आइए दोस्तों, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और प्रभु श्री राम का आपके परिवार पर आप पे कृपा जरूर बरसाए। बाबा से हम अनुरोध करेंगे कि आप सब पे कृपा बरसाए रखना। आइए, हमारे चैनल से जो लोग भी नए जुड़े हैं, यदि मेरा वीडियो बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर कोई अच्छा लेसन लेकर के आपके बीच जरूर आने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें, प्रणाम।